हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके झाइयाँ झुर्रियों को दूर करने में। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, स्कार्स की प्रॉब्लम है तो वो आपके दूर हो जाएंगे, पिंपल्स हैं तो ये भी आपके रिमूव हो जाएंगे कुछ ही दिन में। और गाइस, ये बहुत ईजी रेमेडी है, आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ये है केला। केला तो एक ऐसा फल है जो हम खाते ही हैं, आप जानते ही होंगे, जिसमें बहुत सारी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन का ये बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। केला वज़न बढ़ाने से लेकर वज़न घटाने तक में यूज़फुल है। केला एक ऐसा फल होता है जो हर मौसम में मिलता भी है और इसका स्वाद मीठा होने के कारण इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले से हमारे जो स्किन होती है उस पर जो चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं वो रिमूव करने में बहुत यूज़फुल होता है। केले का जो छिलका होता है हम उसे फेंक देते हैं गाइस, लेकिन इसमें केले से ज़्यादा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। गाइस, हम केला खाते हैं और उसके छिलके को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपके स्कार्स की प्रॉब्लम है तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पिंपल से छुटकारा पाने के लिए आप क्या क्या नहीं करते, बहुत सारी क्रीम यूज़ करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं उन्हें छुपाने के लिए, लेकिन गाइस अगर आप केले के छिलके का यूज़ करेंगे तो आप के पिंपल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गाइस, पिंपल पर आप केले के छिलके से मसाज करेंगे तो आपके ये कुछ ही दिन में पिंपल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपके दोबारा भी पिंपल नहीं होंगे। अगर आपके चेहरे पर झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, वो आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो आप उनको भी केले के छिलके की हेल्प से दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आज कि हम केले के छिलके का किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हमारी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। गाइस देखिए, इस तरह से मैंने ये बनाना का छिलका ले लिया है, हमें बिल्कुल पका हुआ बनाना ही लेना है, उसका ही छिलका लेना है हमें। तो गाइस देखिए, ये मैंने बनाना का छिलका ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से गाइस इसे अलग कर लेंगे और इसको इस तरह से हम 3 पीसेज में कर लेंगे डिवाइड। देखिए गाइस, इस तरह से अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने इसके पीसेस लिए हैं हमें इधर साइड से ये अच्छे से अपने पूरे फेस पर अच्छे से इस तरह से ये रब करना है। देखिए गाइस, इस तरह से हम रब कर लेंगे। ये हमारी जो एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम होती है उसे दूर करने में बहुत हेल्प करता है। इसका जो ये पील होता है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे एक्ने और स्कार्स की प्रॉब्लम को दूर करने में। तो गाइस देखिए, इस तरह से हम ये 5 से 10 मिनट तक हमें इसकी अच्छे से मसाज करनी है। इस तरह से देखिए गाइस, इस तरह से हम रब कर लेंगे, हम सर्कुलर मोशन में इस तरह से करेंगे। देखिए देखिए गाइस, इस तरह से हम इसे रब करते रहेंगे 5 to 10 मिनट्स। आप इसे अपने हैंड पर, लेग पर भी कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये मैंने कर लिया है। अब इसके बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे। तो गाइस, आपको कैसी लगी ये मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।